नितिन फौजी पहले हिसार में आर्मी रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग की उसने, तभी उधम सिंह से जुड़ा था, आ गया इसके पैसे के चक्कर में। अब इसको ये था कि मेरे को बड़ा काम करके बाहर निकल जाना। धारूहेड़ा में जब सुराग लगा कि रेवाड़ी की तरफ ऑटो पकड़ के गए, वहाँ पे रेवाड़ी में ढूंढा कि फाइनली रेलवे स्टेशन में रोहित राठौड़, ये पहले रेप के केस में बंद रहा है, तो जब ये जेल में रहा तभी इसके तार गैंग से जुड़ गए और इसको लगा कि इससे पैसा कमाया जा सकता है। सुखदेव गोगा मोड़ी हत्याकांड में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है, दोनों शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे साथ स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव जी हैं। सर सबसे पहले कितने लोग आपने गिरफ्तार किए और किस तरह से गिरफ्तार किए? सबसे पहले तो मैं इस टीम की बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा। 72 घंटे से इन्होंने कोई रेस्ट नहीं किया। DCP अमित, ACP उमेश, इंस्पेक्टर राकेश के साथ जितने भी लड़के थे, लगातार 72 घंटे से चल रहे हैं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल में। तो इन्होंने जो ये सफलता अर्ज की है वो बहुत ही मेहनत से है। बैकग्राउंड इसका ये है कि जैसे ही हत्या हुई वहाँ से ADG क्राइम अहमद दिनेश ने संपर्क किया और ये रिक्वेस्ट की कि डीडवाना से इन्होंने दिल्ली की बस पकड़ी है और इनको डिटेन कर लिया जाए जैसे ही दिल्ली में एंटर करती है। लेकिन जब दिल्ली में बस आई तो उसमें ये लोग नहीं थे, तो अब ये मामला क्लूलेस हो गया कि कहाँ गए, कैसे गए। तो फिर हम वापस चले तो उन्होंने कहा कि जी धारूहेड़ा में उतर गए दो लड़के, धारूहेड़ा पहुँचे, वहाँ पे फिर छानबीन हुई। तो ये आगे आगे चल रहे थे, हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे। तो धारूहेड़ा में जब सुराग लगा कि रेवाड़ी की तरफ ऑटो पकड़ के गए, वहाँ पे रेवाड़ी में ढूंढा कि फाइनली रेलवे स्टेशन गए, वहाँ से ट्रेन पकड़ के हिसार गए। हिसार के फुटेज में जब आ गया कि वहाँ रेलवे स्टेशन से सुबह ट्रेन से उतरे हैं, तो हम ये तो पुख्ता हो गए कि हिसार तक आए, अब आगे कहाँ हैं वो देखना है। वहाँ पे फिर हमें ये एक एडवांटेज मिली कि हमने इनका जो एनालिसिस किया था कि हिसार में किस किस के पास ये जा सकते हैं, अगर ये हिसार गए तो किस लिए गए होंगे, इनका कौन लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हो सकता है। तो वहाँ जो इनका एक पुराना, जिससे इन्होंने 4 साल पहले संपर्क छोड़ा हुआ था, उधम सिंह, अभी उससे संपर्क में नहीं थे, लेकिन हमारी मेहनत का जो फल मिलता है, उधम सिंह को जब हमने ट्रेस किया तो वो अपनी जगह नहीं मिला। अब हम उधम सिंह को ट्रेस करने लगे, उसके भी फ़ोन ऑफ मिले, उसके फिर इंस्टा और ये सब पे काम करते हुए हिमाचल की तरफ चल पड़े। हिमाचल में एडवांस टीमें गई, वहाँ से भी ये रुके नहीं मनाली, ये वापस हो लिए चंडीगढ़ में, रात में इनको डिटेन किया। दोनों जो शूटर हैं उनका क्या प्रोफाइल है और किस तरह से जुड़े वो? नितिन फौजी पहले हिसार में आर्मी रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग की उसने, तभी उधम सिंह से जुड़ा था। बाद में ये छोटे मोटे केसेस में, बारात वरात में इसने झगड़े कर लिए, पुलिस पे भी फायरिंग कर ली, सदर महेंद्रगढ़ में इसके ऊपर केस भी दर्ज है। उसके बाद ये आ गया इसके पैसे के चक्कर में, अब इसको ये था कि मेरे को बड़ा काम करके बाहर निकल जाना, तो ये गैंग्स वगैरह का जो चक्कर में आ गया। और ये जो है, क्या नाम है इसका, रोहित राठौड़, ये पहले रेप के केस में बंद रहा है, तो जब ये जेल में रहा तभी इसके तार गैंग से जुड़ गए और इसको लगा कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए इसमें। ये नवीन जो है वो भी इनके साथ हत्या की प्लानिंग में शामिल था, सुना रेकी वेकी किया था। सब था, लेकिन मैं पूरी डिटेल यूं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कुछ बोल रहे हैं, अभी वहाँ पे जो हालात हैं उसका पूरा, जो वहाँ के चश्मदीद हैं जयपुर में, उनसे क्या कॉरोबरेट होता है। इनका तो कहना यही है कि वो हमारे साथ था, गलती से मारा गया, लेकिन अब जो भी होगा वो राजस्थान पुलिस खुलासा करे। अच्छा, और रोहित गुदारा ने भी क्लेम किया था, तो रोहित गुदारा उस पे भी मैं कहना नहीं चाहूंगा, आपको काफी कुछ पता है उस बारे में। नहीं, एक जो करेक्टर है, चूंकि रोहित गुदारा तो फॉरेन में है, जो वीरेंद्र चहन है, ये बताया जा रहा है कि उसी ने पूरा एग्जीक्यूट किया सबको एक प्लेटफॉर्म पे। मुझे बहुत कुछ पता है लेकिन मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहूंगा। बस ये आखिरी सवाल है कि वीरेंद्र चहन ने ही सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया? मैं इस बारे में, आप कह सकते हैं लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बोलना चाहूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाहिर सी बात है, एक बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के लिए, और इनका कहना है कि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जयपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरामैन किशन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।